तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए 30,000 रुपए के अंदर एक बेस्ट गेमिंग पीसी बनाने वाला हूं। इस पीसी के अंदर एक ग्राफिक्स कार्ड भी होगा और ग्राफिक्स कार्ड कोई छोटा मोटा ग्राफिक कार्ड नहीं होगा, काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा। आप इस पीसी के ऊपर काफी अच्छी तरीके से गेमिंग कर सकते हो, आपके गेम बिल्कुल भी लैग नहीं करेंगे, आपका गेमिंग में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। इस पीसी के गेमिंग बेंचमार्क भी है, गेमिंग बेंचमार्क के अंदर मैंने आपको दिखाया आप इस पीसी के साथ कौन कौन से गेम खेल सकते हो, उन गेम्स को आप कौन सी सेटिंग में प्ले कर सकते हो एंड कितने FPS निकाल के दिए, ये सब कुछ मैंने आपको गेमिंग बेंचमार्क के ना दिखाया है। तो बेंचमार्क को जरूर से देख लेना। आप इस पीसी के ऊपर गेमिंग के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो एंड लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। आप इस पीसी के ऊपर इजीली एडिटिंग भी कर सकते हो, आप इस पे इजीली 1080p की वीडियोस को इजीली एडिट कर सकते हो, प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा आप इस पे इजीली चला सकते हो। अगर आपको ये पीसी मुझसे बनवाना है तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर दो, हम ओवरऑल इंडिया कुरियर करा देते हैं। बस आपको अपना बजट बताना है, अपना एड्रेस बताना है, हम आपका पीसी आपके घर तक डिलीवर करा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसी ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर तो जरूर से मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो जल्दी से इस पीसी बिल को शुरू करते हैं। आप गेमिंग पीसी बना रहे हो, बहुत खर्चा कर रहे हो, 400-500 रुपए बचाने के लिए आप अपने पीसी के अंदर पायरेटेड विंडो का यूज करते हो। पायरेटेड विंडो यूज करने के काफी सारे डिसएडवांटेज है, आपका पीसी इजिली हैक हो सकता है, आपके पीसी के अंदर वायरस आ सकता है, आपका जो इंपोर्टेंट डाटा है वो लीक हो सकता है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दोनों ही खत्म हो जाती है पायरेटेड विंडो के अंदर। तो आपको हमेशा जेन्युइन विंडो का यूज करना चाहिए। तो रॉयल कीपर आपको 101% जेन्युइन विंडोज की मिल जाती है काफी चीप प्राइस पर। आपको यहाँ पे विंडोज 11 की मिल जाती है 649 रुपीज की एंड आपको यहाँ पे विंडोज 10 की भी की मिल जाती है 599 रुपीज की। आपको यहाँ पे MS Office की भी की मिल जाती है काफी चीप प्राइस पर और आपको यहाँ पे एंटीवायरस की भी की मिल जाती है काफी चीप प्राइस पर। आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो Nitin50 तो आपको इंस्टेंट 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। इंडिया की नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट है एंड इनकी जो डिलीवरी टाइम है वो सुपर फास्ट है, आपकी जो की है वो इंस्टेंट आपकी मेल आईडी पर आ जाएगी। तो इस वेबसाइट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर अपनी विंडोज के लिए की बाय करो एंड आप अपनी विंडोज को एक्टिवेट करो। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर हमने इसके अंदर इंटेल का कोर i5-10400F प्रोसेसर यूज करा है। ये प्रोसेसर काफी अच्छा है, ये प्रोसेसर आपको इजीली गेमिंग के साथ लाइव स्ट्रीम करा सकता है एंड एडिटिंग भी करा सकता है। फाइनली अब बात करते हैं इस प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस सीपीयू के अंदर आपको 6 कोर मिल जाते हैं, 12 थ्रेड आपको ये ऑफर कर देता है, 2.90 गीगाहर्ट्ज़ की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, 4.30 गीगाहर्ट्ज़ की बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको ये प्रोवाइड कर देता है, 12 MB की कैश आपको इसके अंदर मिल जाती है, 65 वॉट की TDP आपको ये ऑफर कर देता है, आपको इस प्रोसेसर के अंदर हाइपर थ्रेडिंग भी मिल जाती है। फाइनली अब बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर आप इस प्रोसेसर को ऑनलाइन खरीदने जाते हो जैसे कि Amazon, Flipkart से खरीदो या फिर कोई अदर वेबसाइट से खरीदो तो आपको ये इजीली 8,860 रुपए का मिल जाएगा। ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो जैसे कि नेहरू प्लेस से खरीदते हो तो आपको वहां पर 7,500 से लेके 8,000 के अंदर मिल जाएगा एंड ये सभी पार्ट्स अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो तो भाई आपको वहां पे काफी सस्ते मिल जाएंगे। अगर आपके वहां पर कोई पीसी मार्केट नहीं है, आप किसी भी रीजन की वजह से ऑफलाइन मार्केट नहीं जा सकते हो, आप इन सभी पार्ट्स को ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो भाई आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। इन सभी पार्ट्स की परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इन्हें खरीद सकते हो। बात करें मदरबोर्ड की तो मदरबोर्ड हमने इसके अंदर MSI का प्रो H510MB मदरबोर्ड यूज कराया। ये मदरबोर्ड आपके प्रोसेसर को इजीली हैंडल कर लेगा एंड इस मदरबोर्ड के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं एंड काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड है। फाइनली बात करते हैं इस मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। आपको इस मदरबोर्ड के अंदर 2 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, 64GB रैम लास्ट ईयर सपोर्ट कर लेता है, 2933 मेगाहर्ट्ज़ तक की लास्ट फ्रीक्वेंसी सपोर्ट कर लेता है, 1 NVMe M.2 SSD का स्लॉट भी मिल जाता है। फाइनली बात करते हैं मदरबोर्ड की प्राइसिंग की। अगर आप इस मदरबोर्ड को ऑनलाइन खरीदते हो जैसे कि Amazon से खरीदते हो तो 5,490 रुपए का मिल जाएगा, ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो तो 5,000 रुपए तक का मिल जाएगा। बात करें रैम की तो रैम हमने इसके अंदर SPG की A-Data GameX D30 8GB की रैम हमने इस पीसी के अंदर यूज करी है। अभी हमने इस पीसी के अंदर सिंगल स्टिक रैम लगाई है, फर्दर आप इस पीसी के अंदर एक और स्टिक रैम लगा सकते हो। 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ ही आती है, 16 कैश लेटेंसी मिल जाती है एंड इस रैम के साथ आपको लाइफ टाइम की वारंटी मिल जाती है जो कि एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इस रैम का। फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर आप इस रैम को ऑनलाइन खरीदने जाते हो 1,680 रुपए की मिल जाएगी, ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो तो 1,500 रुपए तक की मिल जाएगी। तो गाइस अब बात करते हैं सबसे महंगे कंपोनेंट के बारे में और सबसे इंपोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जो कि है ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड हमने इसके अंदर MSI का GTX 1650 D6 Ventus SSOC V1 ग्राफिक कार्ड हमने इसके अंदर यूज कराया। आई नो काफी बड़ा मॉडल नेम है बट सिंपल बताऊं हमने इसके अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज कराया। हमने इसके अंदर GTX 1650 ग्राफिक कार्ड यूज कराया, ये काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है स्पेशली बजट गेमिंग के लिए। ये ग्राफिक कार्ड काफी अच्छा है, आपको काफी अच्छे तरीके से गेमिंग करा के देने वाला है, आप अपने गेम्स को काफी एंजॉय
कंफर्टेबल तरीके से खेल सकते हो, कोई भी लैग का इशू नहीं आएगा। अब किस तरीके का आपका गेमिंग में एक्सपीरियंस रहने वाला है ये तो आपको बेंचमार्क देख के ही पता चलेगा, बेंचमार्क देख लेना। फाइनली अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड की यार स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस ग्राफिक कार्ड के साथ आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं भाई, मुझे रीड करके ही बताना पड़ेगा क्योंकि इस ग्राफिक कार्ड के अंदर भाई काफी सारी स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं। ऑलरेडी मैंने काफी सारे कंपोनेंट की स्पेसिफिकेशंस रट ली हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, बट मुझे इस ग्राफिक कार्ड की स्पेसिफिकेशंस रटी नहीं जा रही हैं, तो मैं आपको रीड करके बताता हूं, बस आप सुनते चलो। ये जो ग्राफिक कार्ड है ये 4GB का ग्राफिक कार्ड है, GDDR6 का ग्राफिक कार्ड है, बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन का ग्राफिक कार्ड है। 896 CUDA कोर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, 1620 MHz तक की कोर क्लॉक मिल जाती है, 12 GBPS की मेमोरी स्पीड आपको ऑफर कर देता है, 128 bit की मेमोरी बस मिल जाती है, 4.6 OpenGL का सपोर्ट मिल जाता है, DirectX 12 का भी सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है, 75 वॉट की पावर कंजप्शन ये कर लेता है। इस ग्राफिक कार्ड को चलाने के लिए 6 पिन का कनेक्टर चाहिए ही होगा, अगर आप कोई भी पावर सप्लाई खरीद रहे हो इस पीसी के लिए तो आपको 6 पिन उस पावर सप्लाई के अंदर होनी ही चाहिए पावर देने के लिए इस ग्राफिक कार्ड को। एंड इस ग्राफिक कार्ड का जो PCI का वर्जन है वो 3.0 जन का मिल जाता है। इस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको HDMI मिल जाता है, एक DVI मिल जाता है, एक DP पोर्ट मिल जाता है, टोटल 3 डिस्प्ले पोर्ट आपको ऑफर कर देता है, काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है भाई। बात करते हैं प्राइसिंग की, अगर आप इस ग्राफिक कार्ड को ऑनलाइन खरीदने जाते हो 12,300 रुपए का मिल जाएगा, ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो भाई आपको 11,000 से लेकर 11,500 के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस इस पीसी की प्राइसिंग से रिलेटेड एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप ये सभी पार्ट्स ऑनलाइन खरीदते हो तो इस पीसी की जो कॉस्ट है वो 34,000 तक की पहुंच जाती है। ऑनलाइन तो आपको ये सभी पार्ट्स बहुत ज्यादा महंगे मिल रहे हैं, अगर आपको ये पीसी सिर्फ 30,000 के अंदर ही बनवाना है तो भाई आप ऑफलाइन मार्केट से कंपोनेंट्स को खरीदना तो आपका ये जो पीसी है ये 30,000 के अंदर ही बन जाएगा। अगर आपको ये पीसी मुझसे बनवाना है तो भाई हम आपका पीसी बना देंगे, आप मेरे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर दो। फाइनली अब बात करते हैं इस पीसी के गेमिंग बेंचमार्क की, किस तरीके का आपका गेमिंग में एक्सपीरियंस रहने वाला है, फाइनली अब उसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो बेंचमार्क के लिए मैंने इस पीसी के अंदर 16GB रैम यूज करी है, 16GB रैम मैंने इसलिए यूज करी है कि मैं इस पीसी का फुल पोटेंशियल जान पाऊं। बेंचमार्क के अंदर हमने कौन सा गेम प्ले करा है उस गेम का नाम आपको पता चल जाएगा, एंड वो गेम हमने कौन सी सेटिंग पे प्ले करा है ये भी आपको पता चल जाएगा, एंड उस गेम के अंदर हमें कितने FPS मिले हैं ये सब कुछ आपको गेमिंग बेंचमार्क के अंदर पता चलने वाला है। तो बेंचमार्क ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज के लिए मैंने इस पीसी के अंदर सिर्फ एक SSD यूज करी है, कोई भी हार्ड डिस्क मैंने इस पीसी के अंदर नहीं लगाई। तो हमने इसके अंदर जो SSD यूज करी है जियोनिस की 256GB की NV1E M.2 SSD यूज करी है, ये काफी अच्छी SSD है, काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली है एंड काफी अच्छी आपको स्पेसिफिकेशंस भी ऑफर कर देती है। 2400 MBPS की रीड स्पीड मिल जाती है, 2000 MBPS की राइट स्पीड आपको ऑफर कर देती है। बात करते हैं प्राइसिंग की, अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदने जाते हो 1,770 रुपए की मिल जाएगी, ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो तो 1,500 रुपए तक की मिल जाएगी। सो गाइस बात करें पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई हमने इसके अंदर गेम डियास की ओरा GP 550 एटम पावर सप्लाई यूज करी है। हमने इस पीसी के अंदर 550 वाट की पावर सप्लाई यूज करी है, आपके पीसी के लिए 550 वाट की पावर सप्लाई मोर देन इनफ है। ये जो पावर सप्लाई है ये काफी ज्यादा अच्छी है, इसके अंदर आपको 1,00,000 का MTBF मिल जाता है, 120 mm का इसके अंदर एक आपको साइलेंट फैन मिल जाता है, बिल्कुल भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं करता, हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स इस पावर सप्लाई के अंदर यूज करे गए हैं। बात करते हैं इस पावर सप्लाई की प्राइसिंग के बारे में, अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदने जाते हो 2,000
2300 रुपए तक की मिल जाएगी। ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो तो 1900-2000 रुपए तक के बीच में आपको ये मिल जाएगी। तो गाइस अब बात करते हैं सबसे लास्ट कंपोनेंट की जो की है कैबिनेट। तो कैबिनेट हमने इसके अंदर कीटेक का मून गेमिंग कैबिनेट हमने इसके अंदर यूज कराया। बात करते हैं भाई इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस कैबिनेट की जो फ्रंट है वो मैश से बनी हुई है, देखने में भाई काफी ज्यादा प्यारी लगती है एंड उसकी जो क्वालिटी वो काफी ज्यादा अच्छी है। फ्रंट में आपको तीन फैन मिल जाते हैं 120mm के, RGB फैन है ये, इनके अंदर आपको काफी सारे मोड मिल जाते हैं एंड काफी सारे कलर भी मिल जाते हैं। इस कैबिनेट की जो बिल्ड क्वालिटी है भाई वो काफी ठीक ठाक मिल जाती है। बात करते हैं भाई प्राइसिंग की। अगर आप इस कैबिनेट को ऑनलाइन खरीदने जाते हो 2400 रुपए तक का मिल जाएगा, ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो तो 1900 रुपए तक का मिल जाएगा। सो गाइस आपका ये जो पीसी है ये हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको ये पीसी मुझसे बनवाना है तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर दो, हम ओवरऑल इंडिया कुरियर करा देते हैं। बस आपको अपना बजट बताना है, अपना एड्रेस बताना है, हम आपका पीसी आपके घर तक डिलीवर करा देंगे। आपको इस पीसी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर दो या तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसी ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर तो जरूर से मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।